हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैजिक ऑफ मेंटल्स में। मैं हूं पंकज। और गाइस, आज हम लोग के सामने ये पड़ा हुआ है अमूल दूध और हमारा ओरियो। तो गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं टेस्टी आइसक्रीम। जो मैंने जब मुझे भूख लगता है तो मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं और मैं ऐसे चीज़ बनाते रहता हूं। तो गाइस, आज हम लोग इसके साथ बनाने वाले, वो भी बहुत टेस्टी होने वाला है। तो गाइस, ये बहुत ही टेस्टी होने वाला है, तो मैं इसे सीधे बना के दिखाता हूं, वो भी कैसे अपने हाथों से, कैसे गाइस। तो फिर चलिए गाइस, इसे बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे चूरा कर लेंगे। तो गाइस, मैं इसमें क्या बैठ जाऊँ? तो गाइस, मैं इतना बेरहम नहीं हूँ, इसके लिए मेरे हाथ ही काफ़ी है। मैं इसे अपने हाथों से तोड़ दूंगा। तो इसे पहले, सबसे पहले क्या कर लेना है गाइस, पहले चूरा कर लेना इसे। तो मेरा हाथ ही काफ़ी है, तो मैं इसे हाथ से ही चूरा कर लेता हूँ अच्छे से। ऐसे चूरा कर लेना है गाइस एकदम अच्छी तरह से आप लोग को, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही। मैं तो हाथों से कर रहा हूँ, आप चम्मच ले सकते हैं या कुछ भी जो भारी सामान आप उससे तोड़ सकते हैं। इसे अच्छी तरह से तोड़ लेना है गाइस। इस तरह तोड़ने के बाद, अभी तो एक ही पैकेट हुआ, अब दूसरा पैकेट भी फोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो गाइस, उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने इसे सब एकदम से चूरा कर लिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा पाउडर जैसा हो गया, पाउडर तो नहीं ठोस पाउडर हो गया गाइस। तो उसके बाद क्या करना है गाइस, इसे अच्छे से ऐसे कर लेना। उसके बाद इसमें डाल देना, नहीं इसे नहीं डालना, पहले डालना है इसमें मिल्क। तो इसमें मिल्क डाल लेते हैं गाइस। तो गाइस, मैंने इसमें डाल लिया दूध। आप लोगों ने देखा मैंने इसमें दूध डाला, और ये हमारा बांस का स्टिक है एक, इसमें इसे डाल लिया। अब गाइस, हम लोग इसे फाइनली अब जमाने वाले हैं, और आप लोग को कल दिखाएंगे कि ये जमा है नहीं, जमा है कि नहीं, और हमारा आइसक्रीम बना है कि नहीं, और खा के भी दिखाएंगे इस कितना टेस्टी बना है। आप लोग इसे घर में भी ट्राई कर सकते हैं गाइस, और बता सकते हैं इसका टेस्ट कैसा लगा। तो गाइस, अब इसकी बारी है फ्रिज में डालने की। तो गाइस, हम लोग इसे फ्रिज में डालते हैं और कल निकालते हैं। तो गाइस, ये रहा हमारा छोटा सा फ्रिज, आप लोग देख सकते हैं। अब छोटे से फ्रिज में ये छोटे छोटे दो हमारे आइसक्रीम जमने वाले हैं। और गाइस, इसका हम लोग टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा ही देते हैं, यहाँ तक तो फुल है ये। और गाइस, आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग की मम्मी बहुत चिल्लाएगी। तो गाइस, अब हम लोग इसे अंदर डाल देते हैं। ये गया हमारा अंदर। अब गाइस, देखेंगे कल सुबह की, मतलब कल ही देखेंगे, कल सुबह तो नहीं होगा, बाद में देखेंगे शाम को, तो ये जमेगा या नहीं। तो गाइस, ये हो गया पैक, और ये भी हो गया पैक, और हम लोग भी कल मिलते हैं। टन गाइस, आज हो गया हमारा पूरा एक दिन, और हमारा आइसक्रीम तैयार है गाइस। मैंने अभी तक पैकेट को फाड़े नहीं, लेकिन फ्रिज से पहले ही निकाल लिया है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल भी जम गया, नीचे गिर ही नहीं रहा। अब हल्का हल्का थोड़ा दब रहा है, लेकिन अब जितना जमना चाहिए उतना तो जम गया गाइस। हम लोगों ने इसे पहले निकाल लिया था, तो हल्का हल्का ये गर्मी के कारण गल रहा है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये पूरा जम चुका। मैंने इसके अंदर दूध डाला था, आप लोगों ने देखा था गाइस। अब मैं गाइस इसे फाड़ने वाला हूँ। तो गाइस, देखते हैं इसके अंदर का। तो गाइज, मैं इसे फाड़ रहा हूँ। वो गाइज, ये बिल्कुल जम गया है, मेरे मुंह में तो पानी आने लगे। और ये हमारा बिल्कुल आइसक्रीम की तरह, उतना ठोस तो नहीं हुआ है गाइज, फिर भी लगभग बन ही चुका है। मैं थोड़ा इसे नीचे रख लेता हूँ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं, ये गर्मी, हम लोगों ने इसे पहले बाहर निकाल लिया था, तो आप लोग देख सकते हैं ये इसमें ऐसा हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से जम गया। हम लोग इसे आधा एक घंटा और जमने देते तो ये पूरा ठोस हो जाता गाइस, आप लोग देख सकते हैं। गाइस, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन गाइस मैं इसे खा नहीं सकता, क्योंकि आज है सोमवार और हमारा सावन का महीना लग चुका है, तो फर्स्ट सोमवार मेरा उपवास है। तो गाइस, मैं इसे चाहते हुए भी नहीं खा सकता गाइस, तो इसे हमारा एक दोस्त खाएगा। वो ले ले भाई, पकड़ ले, मेरे मुँह में तो नहीं है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो गाइस, मेरा दोस्त वो है जो दूसरा वाला खा लेगा, लेकिन ये जो पहला वाला जो हमारा वीडियो को बच्चे लोग भी देख रहे थे, तो हम एक छोटी बच्ची को खिलाने वाले, तो ये है हमारे साथ। तो गाइस, ये खा के बताए कि इसका टेस्ट कैसा है, तो बताना। बहुत बढ़िया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ, बल्कि हमारे साथ जो बच्ची है वो खा रही है, और वो इसका टेस्ट बता रही है कि इसका टेस्ट वाकई में कैसा है। तो ये बता रही है इतना टेस्टी है, और मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं निशब्द हो गया गाइस।
आई होप गाइस आप लोगों को हमारा वीडियो और आइसक्रीम पसंद आया होगा और टेस्टी भी लगा होगा अगर आप लोगों ने अपने घर में बनाया होगा तो। गाइस वीडियो के लिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो, मिलेंगे।